नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पारण विधि बताने वाली हूं। शास्त्रों में जिन व्रतों में पारण करने का विधान बताया जाता है, उन व्रतों में पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आपके व्रत का फल पारण पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमेशा पारण की विधियों को ध्यान में रखकर अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पारण करने के लिए पूजा विधि कैसे की जाती है, पारण करने के क्या कुछ खास नियम होते हैं, पारण क्या खा कर करना चाहिए, साथ ही साथ पारण के पहले जो पूजा विधि होती है उसमें सुहाग कैसे लिया जाता है, चीर कैसे बांधा जाता है, साथ ही साथ पारण के कुछ और खास नियम जैसे कि अन्न दान किसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए अन्न दान, और बाकी सुहाग सामग्री इत्यादि कैसे दान करना चाहिए। तो पारण से संबंधित और दान से संबंधित सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने हरतालिका तीज से संबंधित कम से कम 5-6 वीडियो बनाए हुए हैं। तो उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपके हरतालिका तीज से संबंधित सभी सवालों के जवाब उन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पारण विधि कैसे की जाती है। तो पारण करने से पहले सभी महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए। स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद भगवान की या तो आप षोडशोपचार विधि से पूजा विधि कर सकते हैं, या फिर पंचोपचार विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। तो पंचोपचार विधि से पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को चंदन लगाना चाहिए। तो श्री गणेश को लगाते हुए माता गौरी को और भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र शमी पत्र चढ़ाइए, और उसके बाद अक्षत इत्यादि अर्पित करने के साथ ही धूप दीप करना चाहिए। तो धूप बत्ती जलाएं, और अगर आपने पारण करने के लिए भोजन बना लिया हो तो पूरा भोजन आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, और अगर भोजन नहीं बना हो आप फलों से पारण करना चाहते हैं तो आप फलों को जो है भगवान को नैवेद्य के रूप में निवेदित कर सकते हैं। और नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद, जैसे कि हर प्रहर की पूजा में वैसे हवन करने का मतलब हमारे यहाँ नियम है, तो अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता हो तो नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद हवन भी जरूर करना चाहिए। हवन इत्यादि करने के बाद भगवान की विधिवत रूप से आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूम कर प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान से क्षमा याचना कीजिए पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हो गई हों, और अपनी मनोकामनाएँ मांगिए। इसके बाद सुहाग लेने की विधि करनी होती है। तो सुहाग लेने के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले सिंदूर लेना है, अपने आंचल से आपको सिंदूर लगाना है। आंचल में सिंदूर लगाकर आपको गौरी माता को सिंदूर लगाना है, और वही आंचल से गौरी माता को लगा हुआ जूठा सिंदूर आपको अपने माथे पर लगा लेना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। तो 3 बार आप अपने आंचल की मदद से माता को लगाते हुए अपने माथे पर सिंदूर लगाएं, भाग लें, और इसके बाद जो भी आपने माता को चूड़ियाँ चढ़ाई हों उन्हें चूड़ियाँ अर्पित करें, और एक एक चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनें। तो इस तरह से आपको चूड़ियाँ पहननी हैं, और इसके बाद बिंदी भी आप जो है माता को, जैसे कि आपने चढ़ा ही दिया है तो एक बिंदी भी आप लगा सकते हैं। अब आ रही आती है चीर बांधने की। जैसा कि ये विशेष विधि होती है, कई क्षेत्रों में की जाती है, हमारे यहाँ की जाती है, तो हमने एक अलग से वस्त्र माता को चढ़ाया हुआ था ताकि हम उससे चीर बांधने की विधि कर सकें। तो उसके लिए हमने जो वस्त्र चढ़ाया हुआ है, अगर कई महिलाएं होती हैं तो उस कपड़े को जो है हम फाड़ फाड़ कर सभी महिलाएं जो है चीर के स्वरूप जो है अपने आंचल पर बांध लेती हैं। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं, एक वस्त्र आप चढ़ाते हैं, यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ, अगर आप वस्त्र इत्यादि नहीं चढ़ाते हैं, कुछ भी है, तो आप मौली धागा जो आप माता को अर्पित करते हैं वस्त्र स्वरूप, उस मौली धागे को भी आप जो है चीर समझ कर और चीर की भावना से जो है अपने आंचल पर बांध सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को चीर की भावना से यानी वस्त्र की भावना से ही मौली धागा अर्पित करते हैं। तो आप मौली धागा भी अपने आंचल पर बांध सकती हैं, और ये चीज जो है पूरा एक दिन बंधा रहना चाहिए। ऐसे तो हमेशा आप बांधे रख सकते हैं, लेकिन एक दिन कम से कम बंधा ही रहना चाहिए। और ये सभी विधियां हो जाने के बाद भगवान को विदा भी कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा देर तक नहीं रखी जा सकती हैं। तो हाथों में फूल लेकर सबसे पहले भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही ऐसा बोलना चाहिए कि प्रभु जहाँ से आप आए हैं अपने अपने धामों को पधारिए, और जब हम पुनः पूजा के लिए पुकारेंगे तो कृपया करके ज़रूर आइएगा। ऐसा कहते हुए भगवान का आसन पीछे खिसका कर उन्हें विदा कर दीजिए, और अब हम पारण कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो
इतनी सुबह सुबह तो ब्राह्मण मिल नहीं पाते, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए सूखा अनाज तो निकाल ही सकते हैं। तो सूखे अनाज के रूप में, यानी कि सूखे अनाज के भोजन के रूप में हम संकल्प तो पहले ही ले लेते हैं, और भले ही हम भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दे आएँ और या फिर दूसरे दिन दे आएँ, लेकिन हमें जो है भोजन के पहले ही एक थाली में सजा करके सूखा अनाज जो है निकाल देना चाहिए। और सूखा अनाज हमें ऐसे भाव से निकालना चाहिए जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ के लिए और माता पार्वती के लिए जो है ये अन्नदान निकाल रहे हैं, उन्हें समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसी भावना रखते हुए जो है आप अन्नदान के लिए जो है पूरा थाली सजाएं, और उसके बाद जो है एक झोले में भरकर सारी सामग्री आप दान कराएं। जो भी आपने पकवान बनाए हों, फल फूल, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर रखें, और इसके बाद जो है दान आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक और ख़ास बात ये है कि ब्राह्मण तो मिल नहीं पाते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी हमें किसी को खिलाकर ही खाना चाहिए। तो आप किसी भी कन्या को खिलाकर अवश्य खिलाएं, हमें प्रयत्नपूर्वक आसपास किसी कन्या को ढूंढ कर उन्हें कुछ चीज़ें दान करके, एक कपड़ा आप दान कर दीजिए, थोड़ा सा जो भी आपने पकवान बनाया हो कुछ कर, और उनको जो है दक्षिणा आदि दे करके ही आपको पारण करना चाहिए। तो ब्राह्मण ना मिले तो कन्या, और कन्या भी ना मिले तो आपको गाय को प्रयत्न पूर्वक जो है ढूंढ करके और गाय को पहला ग्रास खिलाकर ही आपको पारण करना चाहिए। तो ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आया कि इन तीनों को जो है प्रयत्न पूर्वक जो है खिलाना चाहिए। तो संभवतः कोशिश पूरी करें कि ये लोग मिल जाएं, ना मिल पाएं तो आप जो है बाद में भी इनको खिला सकते हैं, लेकिन इनके लिए पहले ही जो है आप सबसे पहले चीज़ें निकाल दें, गाय के लिए निकाल दें, कन्या के लिए निकाल दें, और फिर जो है ब्राह्मणों के लिए भी निकाल दें। उसके बाद जो है अपने पति को खिलाएं, और इसके बाद जो है आप पारण कर सकती हैं, यानी कि भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण के लिए सूखा अनाज निकाल करके भगवान को सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें। और इसके बाद जब भी आपकी पूजा विधियां पूरी होती हैं तो एक और विधि होती है, वो ये है कि जिस आसन पर आप बैठी होती हैं तो पूजा से उठने से पहले ही उस आसन के नीचे थोड़ा सा आपको जल डालना चाहिए, और उस आसन के नीचे का जल आपको माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो इस विधि को भी ज़रूर करें। आसन संबंधित एक और वीडियो मैंने दिया हुआ है कि कैसा आसन लेकर हमको पूजा में बैठना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए, तो उस आसन से संबंधित भी वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल पे जरूर आए। और अगर आप पारण जो है फलों से कर रही हैं तो जब भी आप भोजन बना लें तो एक बार एक थाली सजाकर यूं ही आप भगवान को समर्पित जरूर करें कि भगवान ये ग्रहण कीजिएगा। क्योंकि जो भी हम भोजन बनाते हैं, अगर हम ऐसा कह देते हैं कि भगवान लीजिएगा और भोग लगा देते हैं थोड़ा सा, तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो जब भी भोजन की थाली बन जाए तो थोड़ा सा उनको ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके समर्पित कर दिया, और इसके बाद जो है भोजन ग्रहण कर लिया। तो ये थी पारण विधि। इसके अलावा एक और खास नियम होता है अन्न दान से संबंधित, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी जब हम अन्न दान करते हैं तो वो बांध कर नहीं किया जाता है, खुला अन्न दान हमको करना चाहिए। तो जब भी आप पॉलिथीन वगैरह में अन्न रखें, अनाज रखें, तो उन पोटलियों को बांधें बिल्कुल नहीं, पॉलिथीन आप बांधें नहीं, बल्कि खुला जो है आपको अनाज दान करना चाहिए। इसके बाद पंडित जी अपना बांधते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बांध कर ना दें, तो इस बात का ध्यान रखें। और मैंने एक वीडियो विसर्जन और दान विधि का विस्तृत रूप से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि अगर नदी या जल स्रोत नहीं है तो कहाँ पे कैसे विसर्जन करना है, घर पर ही आप कैसे कर सकते हैं। और दान के लिए बताया हुआ है जैसे कि हम पूजा में चावल उपयोग करते हैं, फूल पत्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनेऊ है, तो क्या कहाँ किसको दान करना है, दान करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। तो दान के लिए भी मैंने विशेष रूप से थाली सजा करके बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। हरतालिका तीज से संबंधित 5-6 वीडियो हैं जिनमें मैंने शिवलिंग बनाकर भी पूजा करके दिखाई है, केवल प्रतिमा में भी दिखाई हुई है, तो सारे वीडियो चेक कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न हो तो कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम में भी आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।